आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को पढ़ लेते हैं और फिर समझकर उसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि बहुपद एक्स की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ x की घात कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब ये जो बहुपद है ये चतुर्थ घात बहुपद है। तो इसके दो शून्यक तो हमें दे रखे हैं लेकिन दो शून्यक हमें निकालने हैं। तो यही हमें बताना है कि दो शून्यक तो 2 प्लस माइनस रूट 3, अन्य दो शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये सवाल में हमसे पूछा है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे हल दिया है बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ये क्या है, हमें एक बहुपद दिया है जिसके शून्यक के शून्यक हमें दिए हैं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि दिया है बहुपद, एक चतुर्थ घात बहुपद हमें दिया है प्रश्न नंबर 4 में, वो हमने ऐसे लिखा के शून्यक हमें दिए हैं 2 प्लस माइनस रूट 3। तो इसका मतलब ये है कि एक शून्यक प्लस में है और एक शून्य माइनस में है, मतलब घटा में है। तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 हैं। अब हम लिखेंगे, माना बहुपद के अन्य शून्यक, माना बहुपद के अन्य शून्यक एक्स है। इसके जो बहुपद हैं ये चतुर्घात बहुपद, इसके दो शून्यक तो हमें दे रखे हैं लेकिन दो जो हैं वो उनको हमने क्या माना, एक्स मान लिया कि वो जो अन्य शून्यक है वो एक्स हैं। तब क्या होगा, हम लिखेंगे एक्स बराबर, क्योंकि ये शून्यक जो हमने माने हैं अन्य शून्यक एक्स हैं, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 2 प्लस रूट 3 कोमा एक्स बराबर 2 माइनस रूट 3। अब देखिए ये प्लस में है, पूरा फंक्शन इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स माइनस 2 ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस का होगा पूरा फंक्शन 2 प्लस रूट 3। पूरा फंक्शन इधर उठ कर आया तो ये प्लस का था पूरा फंक्शन, इधर आके माइनस का हो गया। इसके बाद ये यहां पर देखिए, ये पूरा फंक्शन प्लस का है, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2 माइनस रूट 3, केवल माइनस रूट 3 उठा कर नहीं ला रहे हैं, पूरा फंक्शन उठा के ला रहे हैं, इसलिए प्लस का ये माइनस हो गया। अब यहां देखिए, इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कर देंगे, इसकी भी अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, ये प्लस का 2 है तो माइनस प्लस माइनस और 2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस रूट 3 ये भी ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद ये एक्स ऐसे ही, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से ये हमें मिल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर देखें तो ये इतना बड़ा जो है ये A का काम करेगा और ये B का, ये A का
और ये बी का, देखिए एक जैसे हैं, एक्स माइनस दो, एक्स माइनस दो रूट तीन रूट तीन, लेकिन एक बार माइनस में है यहाँ पर, एक बार प्लस में है, तो ये वर्गांतर नियम हमारा लग जाएगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे ए की जगह एक्स माइनस दो, मतलब एक्स माइनस दो का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो हो चुका है माइनस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है रूट तीन, तो हम लिखेंगे रूट तीन का स्क्वायर। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसको हम खोलेंगे तो x माइनस दो का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, तो माइनस दो का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का चार, फिर इन दोनों पदों की गुणा का दुगना, वह भी माइनस में क्योंकि फॉर्मूला है माइनस में, तो माइनस का दो एक्स दुगना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा चार एक्स, माइनस रूट तीन की गुणा जब रूट तीन से करेंगे मतलब उसकी घात दो है, तो इसका मतलब दो बार गुणा करेंगे रूट तीन की, तो ये कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस का चार एक्स पहले लिख लेंगे और ये प्लस का चार, ये माइनस का तीन, तो प्लस का कितना बचेगा वन। तो देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस वन, ये इस चतुर्थघात बहुपद का एक क्या होगा गुणनखंड होगा, तो हम यही लिखेंगे बहुपद बहुपद x की घात चार माइनस छ एक्स की घात तीन माइनस छब्बीस एक्स स्क्वायर प्लस एक सौ अड़तीस एक्स माइनस पैंतीस का एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस वन एक गुणनखंड है इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस वन इस चतुर्थ घात का एक क्या होगा गुणनखंड होगा। लिखेंगे इसलिए अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को मतलब चतुर्थ घात बहुपद को के लिए चतुर्थ घात बहुपद को द्विघात बहुपद से चतुर्थ घात बहुपद को द्विघात मतलब जो हमें द्विघात दी है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस वन से भाग करने पर मतलब जो हमें अन्य शून्य ज्ञात करने हैं उसके लिए इस चतुर्थ घात बहुपद को इस द्विघात बहुपद से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो चलिए हम आगे हल करते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस वन से इस चतुर्थ घात समीकरण को हम भाग करेंगे। तो लिखेंगे चतुर्थ घात समीकरण जो हमें दे रखी है उसको लिखेंगे एक्स की घात चार माइनस छः एक्स की घात तीन माइनस छब्बीस एक्स स्क्वायर प्लस एक सौ अड़तीस एक्स माइनस पैंतीस। इसको हम भाग करेंगे किससे करेंगे द्विघात समीकरण से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक से भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे समझ लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ कितनी घात है चार घात है, तो इस एक्स स्क्वायर को हमें चार घात बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर में अगर हम गुणा कर दें तो ये घात कितनी बन जाएगी चार बन जाएगी। तो हम लिखेंगे चलिए गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स की घात चार हो जाएगा। अब
इस एक्स स्क्वायर की माइनस के चार एक्स में करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की चार एक्स में गुणा करेंगे तो चार तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स की घात दो ये और एक एक्स की घात यहाँ पर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, दो वो एक ये तो हो जाएंगी एक्स की घात तीन। इसी तरह एक्स स्क्वायर की प्लस के वन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर इकन एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे हम क्या, घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये एक्स की घात चार जो है ये वाला ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो घट गया जीरो हो गया। अब ये माइनस का छः एक्स की घात तीन, ये प्लस का चार एक्स की घात तीन, तो बचा कितना, माइनस का दो एक्स की घात तीन, माइनस का छब्बीस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ही ये हो चुका है एक एक्स स्क्वायर, तो माइनस के हो गए सत्ताईस एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, प्लस का बचा हमारा कितना 138 एक्स ऐसे ही, और माइनस का 35 ये भी ऐसे ही। अब हम माइनस का 2x की घात 3 काटने के लिए इसमें एक्स स्क्वायर में हमें किस संख्या से या किस पद से हमें गुणा करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे माइनस का 2x से अगर हम गुणा कर दें तो ये माइनस का 2x की घात 3 बन जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, और 2x की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे 2x की घात 3 हो जाएगा, माइनस के 2x की माइनस के 4x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 चौक 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2x की प्लस के 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x इकन 2x हो जाएगा, होगा काय का माइनस का। फिर लिखेंगे वही घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये फिर घट गया, ये माइनस का 2x की घात 3, ये प्लस का 2x की घात 3, ये खत्म हो चुका है, माइनस का 27x स्क्वायर, माइनस का 8x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर, और ये यहाँ पर हो जाएगा देखिए 138x, ये प्लस का ही 2x हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 140x, और माइनस का ये आपका 35 ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब हम गुणा करेंगे माइनस के 35 से, केवल माइनस के 35 से, क्योंकि हमें माइनस का 35 एक्स स्क्वायर काटना है, केवल एक्स स्क्वायर में माइनस के 35 की गुणा कर देंगे तो ये माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के 35 के एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 35 की जब माइनस के 4x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 35 की 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140x, और माइनस के 35 की जब प्लस के 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का ये 35 हो जाएगा, 35 ही का 35 माइनस प्लस माइनस। फिर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, देखिए माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 35 एक्स स्क्वायर, घट के ज़ीरो, ये प्लस का 140 एक्स, ये माइनस का 140 एक्स, ये भी घट के ज़ीरो, माइनस का 35 प्लस का 35 ये भी घट के ज़ीरो, तो शेष फल अगर हम बात करें तो आया है हमारा कितना, शून्य मतलब ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा भागफल आया है इस भागफल को शून्य के बराबर रखेंगे, अन्य हमें क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए, तो हम लिखेंगे लिखेंगे अतः बहुपद एक्स की घात 4 माइनस 6 एक्स की घात 3 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 एक गुणनखंड है, गुणनखंड है।
कि ये जो है एक्स स्क्वायर जो शेषफल आया हमारे निकालने के बाद, ये इस चतुर्थ घात समीकरण का क्या है, एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए इस गुणनखंड को शून्य के बराबर रखकर हम हल करेंगे। हम लिखेंगे तब अन्य शून्य के लिए भागफल एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस 35 को शून्य के बराबर रख कर हल करने पर। अब शून्य के बराबर रखेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस 35 बराबर जीरो, शून्य के बराबर रख देंगे। गुणा करके कितना लाना है, 35 लाना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक है। तो 35 इकन 35 घटा के दो लाना है। अगर हम बात करें तो 7 पंजे 35 और 7 में 5 घटाएंगे तो घटा के कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो चलिए हमें मिल गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5, एक्स माइनस 35 आपका ऐसे ही बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस के साथ माइनस की अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट में और साथ में एक्स की भी गुणा करेंगे, तो माइनस का 7 और गुणा एक्स की भी करेंगे तो माइनस का 7x, माइनस माइनस प्लस 5 की एक्स में होगी 5x, माइनस का 35 आपका ऐसे ही बराबर जीरो। दो दो के आपके क्या बन गए हैं, ये जोड़े बन गए हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स, तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से प्लस का चिन्ह तो है ही, साथ में 5 भी कॉमन हो रहा है क्योंकि 5 से 5 भी कट जाएगा और 35 भी कट जाएगा। तो 5 से 5 कटा एक बार, एक की गुणा एक्स में रहने करेंगे तो एक्स ही रहेगा। इसके साथ ये एक्स ऐसे कैसे, इस ये प्लस माइनस माइनस ऐसे ही, और इस 5 से 35 को काटेंगे तो 5 सत्ते 35 मतलब 7 बार कटेगा बराबर जीरो। तो इस तरह से ये आया एक्स माइनस 7, ये आपका ऐसे ही। इन दोनों में से आपको एक लिखना है और ये और इसको मिलाकर लिखना, तो x प्लस 5 बराबर जीरो। तो इस तरह से ये हमें क्या मिल गए हैं, गुणनखंड मिल गए हैं। इन इनको हम क्या रखेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, x माइनस 7 को और x प्लस 5 को शून्य के बराबर रखेंगे। तो अलग अलग करके देखेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर माइनस का 7, जब बराबर की साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7। इस तरह से हमें एक शून्य प्लस का 7 प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम x प्लस 5 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर मिलेगा हमें माइनस का 5। तो हमें जो अन्य शून्य मिले हैं बहुपद के, वो मिले हैं 7 और माइनस का 5। तो हम यही लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद के शून्य के अन्य शून्य सात कोमा माइनस 5 है। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 हमारा पूर्ण हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं वह आप तक पहुंच सकें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।